मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। मुख्तार की मौत पर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। मुख्तार की मौत की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। बुधवार को न्यायिक और मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए अफसर बांदा पहुंचे। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह और एडीएम वित्त राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर 2 घंटे जांच की। मजिस्ट्रेट और एडीएम के सामने मुख्तार की बैरक को खोला गया। इसके बाद यहां के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। बैरक में रखे गए सामान की बारीकी से जांच की गई। यही नहीं, जेल कैंपस में मौजूद रजिस्ट्रार के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा सुरक्षा में तैनात रहे स्टाफ के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इस जांच का मुख्य जिम्मा एडीएम वित्त राजेश कुमार को दिया गया है। जांच के बाद सुनिए एडीएम ने क्या कहा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रियल जांच कराने का आदेश दिया गया है और मुझे जांच अधिकारी नामित किया गया है, तो उसी के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है कि जिसको भी अपना पक्ष रखना हो, अपना बयान देना हो या कोई सबूत देना हो या कोई साक्ष्य देना हो, वो आकर के हमारे कार्यालय में साक्ष्य दे सकता है। अच्छा सर, आपके द्वारा आज जेल का भी निरीक्षण किया गया था, किन पहलुओं को लेकर के जांच हो रही है, आप लोगों ने 2 घंटे वहाँ पर बिताए? ये तो अभी जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तो वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी, उसके बाद आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जांच अधिकारी राजेश कुमार ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो कोई भी लिखित या मौखिक बयान देना चाहता हो, उसको 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बता दें कि 28 मार्च को बांदा के मेडिकल कॉलेज में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मौत से पहले 26 मार्च को भी मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसके करीब 14 घंटे बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को फिर से तबीयत बिगड़ी और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां पर उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने जेल में उसे स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 19 मार्च को मुख्तार को खाने में जहर दिया गया। उन्होंने अदालत समेत हर जगह गुहार लगाई। अफजाल ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज में मुख्तार ने कहा था कि ये लोग इलाज के नाम पर नाटक करेंगे। अफजाल ने आरोप लगाया कि मुख्तार को मारने के पीछे उसरी चट्टी कांड में ब्रिजेश सिंह को बचाने की मंशा थी। उसरी चट्टी कांड में 22 वर्ष बाद दूसरी स्टोरी गढ़ी गई। एक घटना की 2 कहानी लिखी गई। हम न्याय पाने और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।